Good morning. Myself Sadhana Bharadwaj. I am working in EBIC Renukut Sonbhadra. Today I am going to explain first chapter of class 9th English prose. Lesson first, Tom Sawyer, written by Mark Twain. And now I am going to explain something about the lesson. Tom's parents are dead. His aunt brings him up. टॉम के माता पिता मर चुके हैं. वह अपनी मौसी द्वारा लाया गया है. यहाँ पे आंट यानी मौसी. शी इज़ फॉन्ड ऑफ हिम. वह उसको बहुत स्नेह करती थी. बट शी इज़ स्ट्रिक्ट. लेकिन वह कठोर थी. उसको दंड देती रहती थी. एज टॉम इज़ नॉटी. बिकॉज टॉम बहुत ही ज़्यादा बदमाश था, नटखट था. ही इज़ ऑलवेज अप टू सम मिसशिफ. वो हमेशा कुछ न कुछ बदमाशी किया करता था. लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ मिसचीफ ही गेट्स इनटू. हम देखते हैं कि यह पूरे पाठ में किस तरीके की बदमाशी करता है. एंड हाउ हिज आंटी हैंडल्स हिम. और उसकी आंटी यानी उसकी मौसी उसको कैसे संभालती हैं. लेट्स स्टार्ट. टॉम, उसकी मौसी, यहाँ पे आंट मौसी हैं. उसकी मौसी पीछे आवाज़ लगा रही हैं, उसको ढूंढ रही हैं. टॉम, नो आंसर. टॉम, नो आंसर. उसकी मौसी उसको आवाज़ लगा रही हैं. टॉम, कोई उत्तर नहीं आता. फिर टॉम, नो आंसर. फिर कोई उत्तर नहीं आता. वेयर कैन ही बी. वह कहाँ हो सकता है. आंट पॉली आस्क्ड हरसेल्फ. आंट पॉली यानी मौसी पॉली वह अपने आप से ही पूछती हैं. ही मस्ट बी समवेयर हियर. वह यहीं कहीं होगा. She went to the door. वह दरवाजे तक जाती हैं. Looked out into the garden. बगीचे में देखती हैं. And then shouted again. और फिर चिल्लाती हैं. Tom, Tom. No answer. फिर भी कोई उत्तर नहीं आता. The old lady stood there thoughtfully. वह बूढ़ी औरत वहीं खड़ी होकर सोचने लगती हैं. Suddenly she heard a sound. अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है. बिहाइंड हर, उनके पीछे. शी टर्न राउंड क्विकली. वह झट से मुड़ती हैं पीछे. टर्न राउंड क्विकली. टर्न राउंड. देयर वॉज टॉम नियर द कपबोर्ड. वहाँ पे कपबोर्ड यानी आलमारी, आलमारी के दरवाजे के पास टॉम खड़ा था. देयर वॉज जैम ऑल अराउंड हिज माउथ. जैम यानी मुरब्बा. टॉम के मुंह के चारों ओर मुरब्बा लगा हुआ था. जैसे छोटे बच्चे जब मुरब्बा खाते हैं या कोई कुछ भी खाते हैं तो उनके मुंह के चारों ओर लग जाता है, वैसे ही जैम ने जब मुरब्बा खाया तो उसके भी मुंह के चारों ओर मुरब्बा लग चुका था. वॉट हैव यू बीन डूइंग. तुम यहाँ क्या कर रहे हो. उसकी आंटी तो उसको ढूंढ ही रही थी. अब वो उससे पूछती हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो. आंट पॉली आस्क्ड एंग्रीली. गुस्से में उसकी मौसी उससे पूछती हैं. When Tom did not answer, जब टॉम कोई उत्तर नहीं देता, she went on, वह आगे बढ़ती हैं. फिर से उनका क्वेश्चन शुरू होता है. You have been stealing the jam again. तुम फिर से जैम चुरा रहे हो. Don't tell me that you haven't. नहीं कहना मुझसे कि तुम नहीं चुरा रहे थे. ये haven't short form है have not का. Haven't I told you 100 times to keep away from the cupboard? क्या मैंने तुम्हें सैकड़ों बार नहीं कहा था कि दूर रहो कपबोर्ड से, अलमारी से दूर रहो. Where's my stick? वह कहती हैं दोबारा. Where's my stick? कहाँ है मेरी छड़ी. Aunt Polly took her stick. Aunt Polly अपनी छड़ी उठा लेती हैं. And raised it high. और उसको ऊंचा उठाती हैं. She was about to strike. वह उसको मारने ही वाली थी. Tom Hart. Look behind you, auntie, shouted Tom. वैसे ही Tom चिल्लाता है. Auntie अपने पीछे देखिए. Aunt Polly looked behind her. Aunt Polly पीछे देखती हैं. This was Tom's chance. यह Tom का अवसर था. He rushed out of the house. वह घर से बाहर भाग जाता है. He climbed over the fence. वो जल्द ही चार दीवारी के ऊपर होता है.
सून ही वॉज फार अवे, और उसको फांदते हुए वह काफी दूर चला जाता है. थर्ड पैरा, आंट पॉली वॉज एंग्री बट शी हैड टू लाफ. आंट पॉली गुस्से में थी लेकिन उनको हंसना पड़ा. ही इज अ बैड बॉय, वह एक बदमाश बच्चा है. बैड गंदा को नहीं कहेंगे, यहाँ बदमाश को कहेंगे. ही इज अ बैड बॉय, वह एक बदमाश बच्चा था. शी सेड टू हरसेल्फ, वह अपने आप से ही कहती हैं. बट आई लव हिम, लेकिन फिर भी मैं उसको पसंद करती हूँ, मैं उससे प्रेम करती हूँ. ही इज माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, वह मेरी गरीब मरी हुई बहन का लड़का है, बेटा है. एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, और मुझे उसकी देखभाल अवश्य करनी चाहिए. आई डोंट लाइक टू हर्ट हिम, मुझे अच्छा नहीं लगता उसको मारना. बट आई हैव टू, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ता है. इफ आई डोंट पनिश हिम, अगर मैं उसको दंड नहीं दूंगी, ही विल ग्रो अप लेजी एंड विकेट, वह आलसी और बदमाश हो जाएगा. यस आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, हाँ मुझे उसके प्रति कठोर बनना है, स्ट्रिक्ट बनना है. आंट पॉली साइज्ड, आंट यानी उसकी मौसी लंबी आहें भरती हैं. आई विल हैव टू पनिश हिम, मुझे उसको दंड देना ही चाहिए. फॉर स्टीलिंग द जैम, उसके जैम चुराने पर. बट हाउ, लेकिन कैसे, वह अपने आप से ही पूछ रही हैं. आई नो टुमारो इज सैटरडे, वह कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि कल शनिवार है. एंड देयर इज नो स्कूल ऑन सैटरडे, लेकिन कोई स्कूल शनिवार को नहीं होता है, यानी शनिवार को स्कूल की छुट्टी होती है. द बॉयज हैव अ हॉलीडे, बच्चों की छुट्टी होती है. बट आई विल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम को काम कराऊंगी. दैट विल पनिश हिम, जो कि उसका दंड होगा. द नेक्स्ट डे वॉज सैटरडे, दूसरे दिन शनिवार था. द स्कूल वॉज शट, स्कूल बंद है. ऑल द बॉयज इन विलेज वर फ्री, गांव के सभी बच्चे फ्री थे, आजाद थे, क्योंकि जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन बच्चों को और कोई काम नहीं रहता, उनका एकमात्र काम होता है स्कूल जाना, जो कि छुट्टी है तो स्कूल जाना ही नहीं है, तो वो आजाद है. इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे, यह एक अच्छा दिन था. द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, सूर्य चमक रहा था और चिड़िया चहचहा रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे. द ट्रीज एंड द फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश, जो पेड़ और फूल दोनों ही स्वच्छ और सुंदर दिख रहे थे. टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, जैसा कि टॉम स्विमिंग को जाना चाहता था. ऑल द बॉयज वर गोइंग, सारे बच्चे जा रहे थे. फोर्थ पैरा, टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस, टॉम दुखी मन से घर के बाहर आता है. इन वन हैंड ही हेल्ड अ लॉन्ग ब्रश, एक हाथ में उसके बहुत लंबी सी ब्रश है. इन द अदर हैंड ही कैरिड अ बकेट, दूसरे हाथ में उसने एक बाल्टी ली हुई है. विच वॉज फुल ऑफ वाइट वॉश, जिस जो कि पूरा भरा हुआ है सफ़ेदी, सफ़ेदी चूना पेंट ये सब हम कह सकते हैं वाइट वॉश को. हिज आंट वॉज मेकिंग हिम वाइट वॉश द फेंस, उसकी आंट उसको वाइट वॉश कराना चाहती थी, यानी चार दीवारी को उसको चूना करवाना चाहती थी उससे. टॉम लुक्ड सैडली, टॉम दुखी दिखता है. एट द फेंस, टॉम दुख से देखता है पूरी चार दीवारी को. हाउ हाई इट इज, और कहता है कितना ऊंचा है ये. हाउ लॉन्ग इट इज, कितना लंबा है ये. फिर कहता है ही थॉट, फिर वह सोचता है. Indeed, the height of the fence was 9 feet and its length was 30 yards. फिर भी माना लगता है कि उसकी हाइट जो है, वास्तविक हाइट उसकी जो है वो 9 feet यानी 9 feet ऊंचा. एंड इट्स लेंथ वॉज 30 yards, और उसकी जो लंबाई है वो 30 yards 30 गज में फैली हुई है. टॉम पुट हिज ब्रश इन टू द वाइट वॉश, टॉम अपने वाइट वॉश में सफ़ेदी में उस ब्रश को डीप करता है, डुबाता है. ही ड्र्यू इट स्लोली स्लोली अक्रॉस द फेंस,
वो एक ड्रिव ड्रॉ का सेकंड फॉर्म, ड्रॉ उसने ड्रिव उसने छोटा सा एक मार्क बनाया फेंस के ऊपर, यानी चार दीवारी के ऊपर उसने एक छोटा सा मार्क निशान बनाया उस ब्रश से. इट मेड अ वेरी स्मॉल वाइट मार्क, जिससे कि एक बहुत छोटा सा निशान बनता है, वाइट मार्क बनता है, सफ़ेद निशान. टॉम ट्राइड अगेन. टॉम वापस से सोचता है, वापस से करता है, प्रयत्न करता है, वापस से कोशिश करता है उसको करने की. अनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क, फिर से एक छोटा ही निशान बनता है. टॉम सेट डाउन एंड साइज्ड हैवीली. टॉम बैठ जाता है और गंभीरता से सोचने लगता है. He took out all the things that he had in his pocket. वह अपने पॉकेट में रखी हुई सभी वस्तुओं को निकालता है. He had some marbles, some pieces of a string and two or three broken toys. उसके पास कुछ कंचे, जो कि गोलियां होती हैं जो जिससे बच्चे खेलते हैं, some pieces of a string, जो स्प्रिंग होती है वहाँ उसको स्ट्रिंग बोला गया, उसके पास कुछ पीसेज स्प्रिंग की थी. And two or three broken toys, और दो तीन टूटे हुए खिलौने थे उसके पास. No one will whitewash the fence for these. कोई भी इस इन खराब सी वस्तुओं के लिए कोई भी उसका वाइट वॉश यानी सफ़ेदी उसके फेंस पे, उसके चार दीवारी पे कोई भी नहीं करेगा. He thought, वह सोचता है. No, वह यही सोचता है कि इस खराब सी बेकार वस्तुओं के लिए कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा, कोई भी ये काम नहीं करेगा उसके लिए. नो आई मस्ट थिंक ऑफ अ बेटर प्लान. वो सोचता है कि नहीं, मुझे और भी अच्छा प्लान सोचना चाहिए. ही थॉट एंड थॉट, वह सोचने लगा और सोचने लगा. सून ही हैड एन आइडिया, जल्द ही उसको एक आइडिया आया, एक प्लान सूझा. ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन, उसने दोबारा अपना ब्रश उठाया. एंड बिगिन वर्किंग हार्ड, और अपना काम करने लगा. बेन रॉजर वॉज कमिंग डाउन द स्ट्रीट. बेन रॉजर, जो कि उसका दोस्त है टॉम का, वह गलियों से नीचे की तरफ आ रहा था. टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम. प्रिटेंडेड, प्रतीत करना. वह ऐसा प्रतीत कर रहा था, उसको दिखा रहा था कि उसने उसको नहीं देखा. ही वर्क हार्डर देन एवर, उसने इतना कड़ा मेहनत करना शुरू कर दिया जैसे उसने पहले कभी नहीं किया. बेन वॉज ईटिंग एन एप्पल. बेन, जो कि उसका दोस्त है, वह एक सेब खा रहा था. ही लुक्ड वेरी हैप्पी, वह बहुत ही ज़्यादा खुश था, खुश दिख रहा था. ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट ही वॉज अ बिग शिप. वो ऐसा दिखा रहा था, वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था, ऐसा दिख रहा था जैसे कि वह एक मानो बड़ा शिप है, जहाज है. एंड ही वॉज रोलिंग लाइक वन, और उस जहाज के जैसे वह हिल डुल रहा था. ही वॉज गिविंग ऑर्डर्स इन अ लाउड वॉइस. वह अपने आप को ही, मानो वो शिप है, जहाज है, और वो अपने आप को ही ऑर्डर दे रहा था, अपने आप को ही वह आदेश दे रहा था. And the ship was obeying them. और जो उसका शरीर रूपी जहाज है वो उसको ओबे कर रहा था. He came up to Tom. वह टॉम के पास आता है. He rubbed his eyes. उसने अपनी आँखों को मीजा, मला. Why Tom? He cried in great surprise. अरे, surprise means आश्चर्यचकित. उसने टॉम को देखा और उसने आश्चर्य से कहा, You are working? तुम काम कर रहे हो. टॉम सेड नथिंग. टॉम ने उत्तर दिया, नहीं, कुछ नहीं. ही वेंट ऑन विथ हिज वाइट वॉशिंग. वह अपना सफ़ेदी का काम कर रहा था. ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क. वो ऐसा प्रतीत कर रहा था, दिखा रहा था, जैसे मानो उसको अपने काम में बड़ा मज़ा आ रहा था, इंटरेस्टेड, मज़ा आना. टॉम, यू आर वर्किंग? बेन रिपीटेड. बेन दोबारा उससे पूछता है, तुम काम कर रहे हो? ओह, इट्स यू बेन. और जो टॉम चालाकी से काम कर रहा था उसने बोला, अरे बेन, तुम हो? आई डिडेंट नोटिस यू. मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं. आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ स्विम. मैं, अब बेन कह रहा है, मैं जा रहा था तैराकी के लिए. यू डोंट वॉन्ट टू कम डू यू? क्या तुम आना चाहते हो या नहीं? यू लाइक वर्किंग डोंट यू? तुमको
अच्छा लगेगा या नहीं? फिफ्थ पैरा, दिस इजंट वर्क, क्या यह काम नहीं है? टॉम सेड क्वाइटली, टॉम ने शांति से कहा, धीरे से कहा, एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग, और वह वाइट वॉशिंग करने लगा, यानी फिर से अपना चूना सफेदी करने लगा वो दीवार पे। नॉट वर्क, बेन एक्सक्लेम्ड, हाँ काम नहीं है? ओह नो, आई लाइक इट, अरे नहीं, आई लाइक इट, यह मुझे पसंद है। वाइट वॉशिंग इज अ फन, वाइट वॉशिंग तो एक मजाक है, एक मजाकिया तौर से, एक आनंद भरा है। यू हैव नेवर वाइट वॉश अ फेंस, हैव यू, क्या तुमने कभी वाइट वॉश किया है? बोलो किया है? वेल नो आई हैवेंट, नहीं मैंने तो नहीं किया है कभी भी। फॉर अ टाइम, काफी दिनों से। बेन स्टूड, कुछ क्षण के लिए बेन खड़ा हो जाता है टॉम को देखते हुए। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम, टॉम ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई उसके प्रति। ऑल हिज अटेंशन वॉज गिवेन टू हिज वर्क, उसका सारा जो ने ऑल हिज अटेंशन वॉज गिवेन टू हिज वर्क, सारा जो उसका ध्यान था वो उसके काम के प्रति था, यानी वो सारा अपना जो ध्यान दे रहा था वो सिर्फ चूना करने में दे रहा था। एट लास्ट बेन सेड, और अंत में बेन कहता है, लेट मी वाइट वॉश अ लिटिल, मुझे भी थोड़ा सा चूना करने दो। ओह नो, टॉम उसको कह रहा है, ओह नो, अरे नहीं, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन, मैं इस चार दीवारी को सुंदर बना रहा हूँ। आई हैव प्रोमिस्ड आंट पॉली बिसाइड इट इज इंटरेस्टिंग, मैंने प्रॉमिस किया है, मैंने वादा किया है मौसी पॉली से, इंस्टेड लेकिन फिर भी, बिसाइड इसके अतिरिक्त, वह मज़ेदार, यह मज़ेदार है। लेट मी डू जस्ट अ लिटिल, मुझे थोड़ा सा करने दो। बेग्ड बेन, बेग्ड यानी उससे याचना करने लगा, बनाने लगा उसको कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा करने दो। नो आई एम सॉरी, अब टॉम कह रहा है, नो आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो बेन, बट आई कांट, आंट सेड दैट आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, मुझे मौसी ने कहा है कि ये मुझे खुद ही करने दो। इफ़ यू डू इट यू विल मेक अ मिस्टेक, अगर तुम करोगे तो तुम गलती कर दोगे, मिस्टेक गलती। यू विल स्पॉइल एवरी थिंग, तुम सब कुछ खराब कर दोगे, स्पॉइल खराब करना। इट इज लुकिंग सो नाइस नाउ, देखो यह कितना अच्छा दिख रहा है। आई शैल नॉट मेक अ मिस्टेक, मैं कोई गलती नहीं करूँगा। आई विल बी केयरफुल, मैं बहुत अच्छा करूँगा, मैं बहुत ध्यान से करूँगा। यू कैन हैव माई एप्पल इफ़ यू लेट मी, अगर तुम मुझे यह काम करने दोगे तो मैं तुमको अपना एप्पल दूंगा। स्लोली एंड अनविलिंगली, स्लोली धीरे से और अनविलिंगली अनचाहे मन से, टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन, टॉम ने दिया ब्रश बेन को, अनचाहे मन से और धीरे से। टॉम ने ऐसा प्रिटेंड किया, ऐसा दिखाया कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी वह ब्रश बेन को दे देता है ब्रश। बेन वर्कड हार्ड, बेन कड़ी मेहनत करता है। ही सून ग्रू हॉट, वह जल्द ही गर्म हो जाता है, यानी जल्द ही उसको पसीने आ जाते हैं। बट ही वेंट ऑन वर्किंग, लेकिन फिर भी वह काम करता रहता है। टॉम सेट देयर, टॉम बैठ जाता है वहीं, वॉचिंग एंड ईटिंग बेन्स एप्पल, और बैठता है बेन को काम करते हुए देखता है और बेन का एप्पल खाता है। वेन बेन हैड डन इनफ, जब बेन ने कुछ ज़्यादा ही कर लिया, अदर बॉयज केम लॉन्ग, दूसरे बच्चे भी गाँव के आ जाते हैं। एट फर्स्ट दे लाफ्ड एट टॉम, पहले तो वो बेन की ही तरह टॉम पर हंसते हैं, एज बेन हैड डन, जैसा कि बेन पहले हंस चुका है और फिर वैसे ही ये सब भी आके उसके ऊपर हंसते हैं। बट सून दे वर वाइट वॉशिंग द फेंस, लेकिन जल्द ही वो सब मिलकर सफ़ेदी करने लगते हैं दीवार पे। ऑफ कोर्स दे हैड टू पे, जैसा कि
उन सबको भी कुछ ना कुछ देना पड़ा। टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम, उस टॉम कितना चालाक था, उसने अपना काम करवाने के लिए उन लोगों से सामान भी लिया, फिर उनको काम करने के लिए दिया। टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम दे गेव हिम देयर बेस्ट थिंग, उन्होंने अपनी सबसे अच्छी चीज़ें दिया। 12 मार्बल्स, 12 कंचे, अ टिन सोल्जर, एक निंजा सोल्जर सैनिक, और की, एक चाबी, अ डॉग्स कॉलर, एक कुत्ते के गले का पट्टा, एंड द हैंडल ऑफ अ नाइफ, और चाकू के पीछे का जो हैंडल होता है, टूटी हुई चाकू का जो हैंडल होता है उसको दिया, एंड 4 पीसेस ऑफ ऑरेंज, और एक संतरे के 4 टुकड़े देते हैं। टॉम हैड एन ईजी टाइम, टॉम का जो समय है वो एकदम आराम से बीत रहा है। ही डिड नॉट वर्क बट सून द फेंस हैड 3 कोर्ट्स, जल्द ही उस फेंस के उस चार दीवारी के 3 कोर्ट्स हो चुके, मतलब 3 परतों में वो जो चार दीवारी थी वो वाइट वॉश हो चुकी। सेकेंड पार्ट न्यू मेडिसिन फॉर टॉम, 6th पैरा। टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, जैसा कि टॉम अब इस वाले पार्ट में टॉम की थोड़ी तबीयत खराब है और उसकी आंट क्या कर रही हैं। टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, टॉम की तबीयत ठीक नहीं है। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज टू, जितना वह सोता था उतना वह नहीं सो रहा था। ही कुड नॉट ईट एज मच एज ही यूज टू, जितना वह खाता था उतना वह नहीं खा रहा था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम द स्कूल, वो घर स्कूल से भाग भी नहीं रहा था, जैसे स्कूल से बच्चे बंक करके भागते हैं घर को, वैसे वो बंक करके स्कूल को घर भी नहीं भाग रहा था। समटाइम्स ही डिड नॉट वॉन्ट टू प्ले, और कभी कभी तो वह खेलना भी नहीं चाहता था। ही वॉज ट्रबल्ड एंड सैड, वह दुखी था और परेशान था। द बॉय इज इल, लड़का बीमार था। आंट पॉली थॉट, आंट पॉली मौसी पॉली ने सोचा कि लड़का बीमार है। आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन, मुझे उसको कुछ दवा अवश्य देनी चाहिए। आंट पॉली वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन, आंट पॉली मौसी पॉली दवाइयों की बहुत जानकार थी। She had a lot of books on this subject. उनके पास इस विषय पर बहुत सारी किताबें थीं। Her newest idea was this. उनका नया जो आइडिया है वह यह है कि when a boy was ill, जब लड़का बीमार होता है, he must bath in cold water every day. जब बच्चा, उनका एक नया खोज था, एक नई तरीके की उन्होंने दवाई बनाई, वह यह थी कि जब बच्चा बीमार होता है उसको, ही मस्ट बाथ इन कोल्ड वाटर, उसको अवश्य ही ठंडे पानी से प्रतिदिन नहलाना चाहिए, एवरी डे। एंड सो एवरी मॉर्निंग शी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड, इसलिए वह प्रत्येक सुबह टॉम को बगीचे में खड़ा कर देती थी। देयर शी थ्रू आइस कोल्ड वाटर ओवर हिम, वहां पर वह उसके ऊपर एकदम चिलचिलाता ठंडा पानी फेंकती थी। आफ्टर दैट, इसके बाद शी रैप्ड हिम, उसको ढक देती थी, कवर करती थी इन अ वेट शीट, ठंडे कपड़े में, एंड मेड हिम लाई इन द बेड, और ठंडे कपड़े से उनको उसको बांध कर फिर वो उसको बेड पे लिटा देती थी। टॉम डिड नॉट गेट बेटर, टॉम बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। ही गॉट वर्स, वह और भी ज़्यादा बीमार हो गया। आंट पॉली ट्राइड अ न्यू आइडिया, आंट पॉली को अब नया आइडिया सूझा, वह एक नया आइडिया ढूंढ उसके ऊपर आजमाने जा रही थी। शी थ्रू हॉट वाटर, अब वह उसके ऊपर गरम पानी फेंक रही थी, ओवर हिम इंस्टेड ऑफ कोल्ड, अब ठंडे की बजाय वह गरम पानी उसके ऊपर फेंकने लगी। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर, जो कि यह दवा भी उसके लिए कोई काम नहीं कर सकी।
सेवेंथ पैरा, एट दिस टाइम आंट पॉली हर्ड अबाउट अ न्यू मेडिसिन, इस समय आंट पॉली एक नए दवा के बारे में सुन चुकी थी, हर्ड सुन चुकी थी. इट वॉज कॉल्ड पेन किलर, इस दवा को दर्द निवारक दवा कहा जाता था. इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, इसका जो स्वाद था वो आग के जैसा था. ऑल द सेम, जैसा कि सुना सुनने पे लग रहा है पेन किलर. ऑल द सेम आंट पॉली, ऑल द सेम आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक इट, जैसा कि पूरी दवाइयां उसको, दो तरीके की दवा उसको देती चली आई, वैसे ये दवा भी उसको देने लगी. टॉम ड्रिंक इट, टॉम को पिलाने लगी. थ्री स्पूनफुल एट ईच मील, प्रत्येक मील के बाद वो तीन तीन स्पून यानी तीन तीन चम्मच भर के उसको यह दवा देने लगी हर एक मील के बाद. टॉम हेटेड इट, टॉम इसको पसंद नहीं करता था. भाई इतना गंदा उसका टेस्ट रहेगा, फायर जैसा, तो उसको कौन पसंद करेगा. व्हेन हिज आंट वॉज नॉट लुकिंग, जब उसकी आंट नहीं देखती थी, ही क्विकली पोर द मेडिसिन इन टू अ होल, वह जल्दी से दवाओं उस दवा को पोर्ड करता था, पोर्ड यानी डालना. ही क्विकली पोर द मेडिसिन इन टू अ होल इन द फ्लोर, जो फर्श पे जो गड्ढा होता था उसमें उस दवा को डाल दिया करता था वो, जब उसकी आंट उसको नहीं देखती थी. टॉम वॉज बिजी डूइंग दिस, एक दिन वह यही करने में बिजी था. दिस वॉर दिस वन डे वेन द कैट केम इन, जब उसके कमरे में एक बिल्ली आ जाती है. टॉम पोर्ड सम ऑफ द मेडिसिन इन टू इट्स माउथ, टॉम कुछ दवा की बूंदे उसके मुंह में डाल देता है, उस बिल्ली के मुंह में वो दवा डाल देता है. एट वंस इट जम्प्ड हाई, जैसा कि उस दवा का इतना गंदा टेस्ट था, स्वाद था, कि बिल्ली एक पहले तो वो मुंह में जाते ही वह कूद गई, उस दवा के मुंह में जाते ही वह कूद गई. हाई इन टू द एयर, वो हवा में कूद गई. इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग, और वह नाचने लगी अपने पैर के पिछले पैर, अपने शरीर के, अपने बॉडी के पिछले पैर पर. वह इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग, वह अपने पिछले पैरों पर नाचने लगी. इट रश्ड अबाउट द रूम, वह रूम के रूम में इधर उधर भागने लगे. रश्ड भागना, ब्रेकिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ, उसके घर में दौड़ते जो भी सामान, जो भी चीज़ें उसके रास्ते में आ रही थी, पाथ यानी रास्ता, जो भी उसके रास्ते में जो भी वस्तुएं आ रही थी वो सबको तोड़ते हुए चली जा रही थी. इट रैन अबाउट एज इफ इट वर मैड, ऐसा वह दौड़ रही थी जैसे मानो वह पागल हो गई थी. टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड, टॉम हंसता रहा और हंसता रहा. इट वॉज अ लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड लाफ्ड सो हार्डली, यह अब काफ़ी लंबे समय के बाद ऐसा हुआ जब टॉम दिल से हंसा था. आंट पॉली हर्ड द नॉइज, आंट पॉली ने आवाज़ सुनी इसकी, उसके हंसने की. एंड केम रशिंग इन, और जल्दी से दौड़ते हुए आई. उन्होंने पूछा व्हाट्स द मैटर, क्या बात है. टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, टॉम हंस इतना ज़्यादा हंस रहा था कि वो नहीं बोल पा रहा था. एट लास्ट ही पॉइंटेड एंड सेड, अंत में उसने उसको इंडिकेट किया, यानी उसने अपनी उंगली से उसको दिखाया. लुक लुक एट द कैट, देखिए देखिए बिल्ली को. व्हाट्स द मैटर विद इट, इसको क्या हो गया. यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन, क्या तुमने उसको वह दवा दे दी. आई डोंट नो सेड टॉम स्टिल लाफिंग, मुझे नहीं पता, टॉम ने कहा स्टिल लाफिंग और हंसता रहा. आंट पॉली सॉ द बॉटल ऑफ पेन किलर, आंट पॉली ने वह पेन किलर देखा, पेन किलर का जो शीशी था उसको देखा. द स्पून चम्मच को देखा. एंड अ सॉसर, और उन्होंने तस्तरी को भी देखा. शी गेस्ट द ट्रुथ, उनको सच्चाई का पता चल गया. टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री, टॉम एक्सपेक्ट कर रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी आंट उस पर नाराज़ होंगी. टू हिज सरप्राइज
शी वॉज ओनली थॉटफुल, जैसा कि उसको आश्चर्य हुआ यह देख कर कि वह उसको कुछ भी नहीं कह रही थी, सिर्फ खड़ी होके सोच रही थी, थॉटफुल सोचना। इट्स नॉट अ मेडिसिन फॉर कैट, वह यह कहती हैं कि यह दवा बिल्ली के लिए नहीं है। शी सेड परहैप्स इट इज नॉट अ गुड मेडिसिन फॉर बॉयज, परंतु यह दवा बच्चों के लिए भी अच्छी नहीं है। यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट, तुम्हें इसको और ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है टॉम। दिस वॉज गुड न्यूज़ फॉर टॉम, यह एक अच्छी खबर थी टॉम के लिए। ही बिगिन टू फील बेटर, अब उसको अच्छा लगने लगा, वह अब ठीक होने लगा। थैंक यू।